क्या मुंबई इंडियंस की हार के लिए हार्दिक पांड्या जिम्मेदार हैं? क्या हार्दिक की बल्लेबाजी या हार्दिक की गेंदबाजी दोनों मैच के बीच में की डिफरेंस बनकर आई? वेल, हो सकता है कि आपके लिए मैच के अलग अलग पहलू हार और जीत की वजह हो। जैसे सीएसके के फैंस कह रहे हैं कि रोहित शर्मा के शतक पर धोनी के 20 रन भारी पड़ गए। कई लोगों का मानना है कि मलिंगा जूनियर जो हैं उनकी गेंदबाजी का असर था कि यह मैच सीएसके के पाले में चला गया। एमआई वर्सेस सीएसके, यानी कि एक तरफ अपने थाला धोनी, दूसरी तरफ रोहित शर्मा। और देखो यार, इस मैच की स्क्रिप्टिंग मुझे नहीं लगता इससे बेहतरीन हो सकती थी भाई। इससे कोई बढ़िया चीज हो सकता था क्या संडे के दिन? मतलब ऐसा संडे जो यादगार रहेगा, जिंदगी भर नहीं भूल सकते भाई। इंटरटेनमेंट का डबल डोज, मतलब हम जो चाहते थे वो हो जाए। ऐसा लग रहा है कि भगवान से अगर कुछ और मांगता तो वो भी मिल जाता भाई। सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया कि चेन्नई सुपर किंग ये मैच जीते, धोनी की बल्लेबाजी आए और वो पुराने वाले धोनी दिखे अपने थाला अंदाज में, वो छक्के चौके और हार्दिक को जो मारा है, बहुत मारा, बता दिया कि चेला चेला है और गुरु गुरु है। और आज मैं कहूंगी कि सीएसके ने वो कर दिखाया जो आज तक हमने आईपीएल में नहीं देखा। मतलब धोनी ने चार बॉल्स खेली, हमने आंखें ठंडी की है, उसने तीन छक्के मारे और हार्दिक पांड्या को मारे, दिल को जिसे कहते हैं ना सुकून हुआ है, वो हुआ है। और जो मैं देखे, मतलब 500 का स्ट्राइक रेट, इसको कहते हैं जो अनहोनी को होनी कर दे, वो है धोनी, राइट। और अगर देखा जाए तो मैं कहूंगी लाइक जो उसने वो चार बॉल्स खेली है, आई एम जस्ट गोना से दैट माही एक ही दिल है कितनी दफा जीतना है, एक ही दिल है कितनी दफा जीतना है और कैसे कैसे जीतना है। तुम कीपिंग करके जीतोगे, तुम कैप्टेंसी करके जीतोगे या बैटिंग करके जीतोगे, क्या चाहते क्या हो हमसे, हम नसे काट ले आपके लिए। धोनी धोनी धोनी, चार गेंदे तीन छक्के, पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर काफी यॉर्कर लेंथ पे, वहां से जड़ से गेंद को उठा के छक्का, बाउंड्री के लंबा छक्का, ऐसा नहीं रोप के साथ जाके गिरा, काफी दूर जाके गिरा छक्का। तो एक तो वहां पे छक्का कराया, फिर जनाब लॉन्ग ऑन के ऊपर से बहुत लंबा सा छक्का, और एक फिर लेग साइड पे मिड विकेट पे। तो तीन गेंदों पे तीन डिफरेंट छक्के मारे हैं नन अदर देन एमएस धोनी, जो कि 42-43 साल का है। लोग अभी भी बैटिंग देखने के लिए बेताब हैं। महेंद्र सिंह धोनी है और कौन है? चार बॉलों में 20, 28 बॉले दी, परफेक्ट स्टेट था, 150 रन थे, तीसरी विकेट गिरी थी, 28 बॉलों में 56 रन, चार बॉलों में 20, 24 में 36, कोई दरियल करते, ये ग्राउंड तो बेवकूफ बन जाएगा। धोनी धोनी धोनी, ओ भाई धोनी साहब, ये आपने बनवा दिया 230। दुनिया में बड़े बड़े नाम है, हर एरा के अपने नाम होते हैं, कोई ग्रेट होता है, कोई किंग होता है, कोई लॉर्ड होता है, लेकिन यकीनन एक आदमी है जो बल्ले को हाथी जो है वो 11 महीने के बाद लगाता है और फिर दो दो तीन तीन बॉले खेलता है, और उससे पहले वाले वहां खेल रहे होते हैं तो ऐसा लगता है छक्का मारना बहुत ही कोई टफ जॉब है, मुश्किल तरीन है। लेकिन जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी आते हैं विकेट पर और बैक टू बैक छक्के मारते हैं, 20 रन बनाए चार बॉलों पे महेंद्र सिंह धोनी ने, किंग महेंद्र सिंह धोनी ने, लेजेंड महेंद्र सिंह धोनी ने, और दुनिया क्या चाहती थी मुंबई में। पांड्या लांती, तुम लोग शिवम दुबे की तो बात करते हो, शार्दुल ठाकुर को क्यों भूल जाते हो? इंडिया का प्रीमियर ऑलराउंडर है, टेस्ट मैच जिताए हुए उसने, पहला मैच खेला है, तुम बता रहे हो आज तो टेस्ट मैच दो रन का ओवर गुजारा है उसने, चौथा पांड्या को मारा क्यों नहीं इसने, पांड्या ने पहला ओवर था ना ये क्या? और मार्क बाउचर कह रहे थे मैंने रोहित शर्मा को कप्तानी से इसलिए हटाया है कि वो हमारे लिए अच्छी बैटिंग करे। अबे रोहित शर्मा क्या 207 रन अकेले कर ले? नहीं, रोहित के तो जो रन थे वो तो कर गया था, 100 तो वो टीम की मरी हुई हालत पे मार के गया, जब किसी से लगे ही नहीं तो एक एंड तो रखेगा ना भाई। बल्लेबाज कोशिश वो कर रहा था, फाइनल आखिरी बॉल तक खड़ा रहा, अपने 100 तो उसके हो नहीं थे, 100 में तो कोई दूरी नहीं थी, वो तो उसने जब देखा कि ना पांड्या चल रहा है ना डेविड चल रहा है ना कोई और उसके बाद आने वाला चल रहा है, तो भैया कहीं तो वो विकेट को भी रोकेगा ना कि यार मैंने एंकर तो कर लिया ठीक है, मगर अभी ये जीत की तरफ लेके जाऊंगा, शायद नीचे कोई आए, शायद नीचे कोई आए, नीचे कोई ना आए ना रोमारियो से लगे ना डेविड, रोमारियो की दिशा बारी भी नहीं हुई तो बल्ला भी नहीं चल सका, मगर स्टार्ट आप ले लीजिए ना भैया, ना तो वो किंग है ना वो ग्रेट है ना ही वो लेजेंड है जिसका नाम है एमएसडी धोनी, यानी कि वो आइकन है, वो सिर्फ धोनी है, उसके साथ आप एसोसिएट कर ही नहीं सकते कोई चीज। महेंद्र सिंह धोनी भाई यार, ये बंदा बूढ़ा नहीं हो सकता, इस बंदे में क्रिकेट बनी हुई है, ये बंदा क्रिकेट के लिए बना हुआ है। हार्दिक पांड्या को बजा बजा के छपरी बना दिया आज धोनी ने, तब एमएस धोनी का तो मैं फैन हूं ही हूं, क्या बैटिंग किया बंदे ने, तीन बालों पे तीन छक्के हार्दिक पांड्या को पड़े हैं। हार्दिक मतलब आप अंदाजा लगाओ, कोई करंट प्लेयर छक्के मारे ना तो अलग बात है, ये क्लास है एमएस धोनी की, ये ब्रिलियंस है उस बंदे की, इस वजह से उसको क्रिकेट का गोल्ड कहते हैं। ये एमएस धोनी तीन बालों पे तीन छक्के बने हार्दिक पांड्या को भाई, ये है वो एमएस धोनी है जो 2019 का बल्कि 2020 में वो रिटायरमेंट ले चुके हुए हैं। तीन बालों पे तीन छक्के मार के आखिर पे डबल लेके चार बालों पे 20 रन बना के बजा दिया, पकड़ के सबको दिखा दिया कि एमएस धोनी माही जिंदा है, माही मार रहा है, और क्या मारा फिर माही ने। मतलब मैं कहता हूं, मैं एक बार मैं ना लेटा हुआ था और मुझे हल्की हल्की नींद आ रही थी, जब एमएस धोनी ने छक्के मारे है ना मेरी नींद उड़ गई और बजा दिया पकड़ के मेरे हार्दिक पांड्या को, मेरे हार्दू को पकड़ के बजा दिया आज।
आज हम हंसने बजाया पकड़ के। यार जो बंदा अनहोनी को होनी कर दे वो है धोनी। क्या ना मजा आ गया यार। एम एस धोनी क्या कर रहे हो यार, कितना कौन मारता है यार। 500 के स्ट्राइक रेट के साथ हार्दिक पांडे को चार तीन छक्के डबल मार दिया भाई। वो वर्ल्ड कप में बहुत तबाही बन के आ रहा है इंडिया, बच के आज सारी टीमें इंडिया न्यूजीलैंड से भी बदला लेगा। आज जो क्रिकेट हुई है ना, अल्फाज नहीं है जो मतलब इतने सारे नोट्स बनाए हुए हैं, अगर इसमें भी बात करूं तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि सबने मैच देखा और जिसने मैच नहीं देखा वो बदनसीब होगा। इतना बड़ा जुमला बोल रहा हूं क्यों, कि आज क्रिकेट की जीत हुई है। वर्ल्ड कप से पहले लग रहा था वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा है आज, ऐसा जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का फाइनल हुआ था आज वनडे में देखा जी क्या क्रिकेट हुई है। आज आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, माई के साथ कौन बैठा हुआ था ड्रेसिंग रूम में, दुबे, सबने देखा होगा ना। माई कप्तान अच्छा नहीं, माई लीडर भी अच्छा है, माई भाई भी अच्छा है, माही दोस्त भी अच्छा है और माही फादर भी अच्छा है। फादर वाली बात क्यों कह रहा हूं, सब वालदेन अपने बच्चों के साथ अच्छे होते हैं। जब वो जा रहा था आज बैटिंग करते हुए, आपने देखा सीढ़ियां कितनी थी, थका हुआ बंदा, और उसने उस बच्ची की रिक्वेस्ट पे जो बॉल उठा के दी, वहां पे दिल जीत लिए। ये होता है बाप, ये होता है, सबके साथ मोहब्बत है माटी, क्या बात है। और आज ऐसा लग रहा था कि चेन्नई में मैच हो रहा है, मुंबई में नहीं हो रहा। आपने देखा किस तरह शोर मच रहा था माई के लिए, तीन छक्के कंसेक्टिव लगा देना, 500 का स्ट्राइक रेट, ओ माय गॉड, दिस इज द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ आईपीएल जो कि कहले बनाया किसने, एमएस धोनी ने, मिस्टर कूल ने बना दिया भाई। और यार गायकवाड 69 करके गए, शिवम दुबे की बात करने 66 करके गए, इन दोनों टीमों में से दो बंदे मोस्ट प्रोमिनेंट रहे हैं। एक तरफ आपको एमएस धोनी नजर आया, दूसरी तरफ आपको कौन नजर आया, रोहित शर्मा नजर आया। ये दोनों बंदों ने आज ये मैच इतना एंटरटेनिंग, इतना इंटरेस्टिंग बनाया कि अवाम क्राउड में पागल हुई बैठी। फैंस की डिमांड आई जा रही है एमएस धोनी को ऊपर लेके आए, जिसके आप देखिए चार बॉलों के ऊपर 20। ये गलती कभी मत करना, एमएस धोनी अगर ऐसा ओपनर आ गया ना, ये जो 206 का टारगेट में ये 300 का टारगेट आ जाना था, जितनी स्पीड से वो खेलते आगे वो तो बेसबॉल खेलने पे तुले हैं। मुझे तो यही लग रहा है भाई, आते ही छक्के चौके वो तो ने ये बताया कि मैं बूढ़ा नहीं हुआ। बूढ़ा वो शेर है भाई, बब्बर शेर है, वो कहते ना कि शेर बूढ़ा वो घास नहीं खाता। ये भी ऐसी है कुछ, विकेट कीपिंग भी अच्छी कर रहे हैं, बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं, कप्तानी भी अच्छी जा रही है, और क्या क्या कराना चाहिए। 40 साल का बंदा लेकिन खेलता है 16-17 साल। एमएस धोनी, जी हाँ, धोनी द लेजेंड, द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर एवर इन द इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री, अगर हम उसको कहें तो गलत नहीं होगा भाई। मेरा तो वो लेजेंड है और ग्रेटेस्ट कैप्टन है इंडिया का और मेरा फेवरेट है। आज उसने फिर बताया कि अभी तो मैं जवान हूं और मुझमें अभी बहुत क्रिकेट बाकी है, जो समझते हैं कि शायद ये उनका लास्ट सीजन है, उनको उसने बताया है कि जनाब तजुर्बे का कोई नेमल बदल नहीं होता। रोहित शर्मा ने आज फिर कमाल किया है, लेकिन रोहित शर्मा एक लोन वॉरियर के तौर पर, अकेले सिपाही के तौर पर लड़ता हुआ नजर आया, बाकी कोई साथ नहीं निभा सका। और कप्तानी के ऊपर सवाल है, खुद हार्दिक पांड्या ने जो किया है बॉलिंग में, जिस तरह से छक्के खाए, जो कप्तानी की बैटिंग में नाकाम हुए, फिनिश नहीं कर पाए, बहुत हाई प्रेशर है। और आज एक जिसको कहते हैं कि एक मुंहजोर तमाचा रसीद किया है रोहित शर्मा ने, उसने बताया है कि वो इस टीम का खासा है, वो आइकन प्लेयर इस टीम का, वो है तो वो कप्तान क्यों नहीं है। तीसरी बॉल पर छक्का मारा, चौथी बॉल पर छक्का मारा, पांचवी बॉल पर छक्का मारा और फिर लास्ट बॉल पर दो रन चले गए, और पूरा मोमेंटम जो था वो मुंबई से सीएसके की तरफ शिफ्ट। ये मैच का एक डिफाइनिंग मोमेंट था। हार्दिक पांड्या ने जब गेंदबाजी की तो 14.3 कौन में थी, उस वक्त डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट आकाश मधवाल जो थे उनके ओवर बचे हुए थे। आकाश भी थोड़े महंगे साबित हुए थे, लेकिन कई बार भरोसा कप्तान पर मैटर करता। आप याद कीजिए कि सीएसके की तरफ से शार्दुल ठाकुर 3 ओवर में 30 रन से ऊपर पिट चुके थे, लेकिन इसके बावजूद धोनी ने उन्हें ओवर दिया, शार्दुल ठाकुर आए, अच्छी गेंदबाजी भी की और केवल 2 रन दिए, और वहीं से गेम जो था वो चेंज हो गया था। 14वां ओवर शायद शार्दुल ठाकुर ने किया था जिसमें केवल 2 रन गए थे, वो मैच का डिफाइनिंग मोमेंट था। लेकिन हार्दिक पांड्या क्योंकि खुद गेंदबाजी कर रहे थे, वो मैच का चेंजिंग मोमेंट था। और इसका असर क्या हुआ, इसका असर ये हुआ कि जबरदस्त नुकसान जो है वो इनकी टीम को उठाना पड़ा और 200 के पार चला गया। हालांकि हार्दिक की समस्या ये होगी कि हार्दिक गेंदबाजी करते हैं तो भी सवाल उठते हैं, नहीं करते तो भी उठते हैं। मसलन जीटी के सामने पहला ओवर किया तो उस मैच में 3 ओवर में 30 रन पिट गए थे, बल्ले से फ्लॉप थे, 4 बॉल पे 11 रन। एसआरएच के सामने गेंदबाजी की सेकंड ओवर में की तो 4 ओवर में 46 रन पिटे, बल्ला वहां भी फ्लॉप रहा। राजस्थान के सामने भी वो फ्लॉप थे, गेंदबाजी नहीं की थी। आरसीबी के सामने गेंदबाजी नहीं की, डीसी के सामने गेंदबाजी नहीं की, और सीएसके के सामने जब गेंदबाजी और बल्लेबाजी करने आए तो 3 ओवर में 43 रन पिटे, हालांकि 2 विकेट निकाले थे इंपॉर्टेंट, लेकिन लास्ट ओवर वो गेम चेंजिंग मोमेंट था, बिकॉज वही शायद डिफरेंस क्रिएट हो गया। और बल्ले से तो बहुत खराब था, 6 बॉल पे केवल 2 रन, उनका आउट होना और उसके बाद हार्दिक का, शेफर्ड का, नबी का, डेविड का 20 बॉल में 20 रन आना इस मैच के गेम चेंजिंग फैक्टर था। रोहित 63 में 105 रन बनाते हैं, बाकी पूरी टीम जो है वो 120 के स्ट्राइक रेट से रन बनाती है, एंड आई थिंक दिस वॉज अ की डिफरेंस दोनों टीम के बीच। अब सवाल ये कि इस हार के लिए जिम्मेदार कौन है, रोहित शर्मा का शतक 63 बॉल 105 रन या हार्दिक पांड्या का वो लास्ट ओवर और फिर बल्लेबाजी में 6 बॉल पर 2 रन, आपको क्या लगता है।
क्या बड़ा फैक्टर है जो हार का जिम्मेदार है? और हार्दिक का क्या धोनी ने करियर को लेकर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया? बिकॉज वो धोनी को बहुत एडलाइज करते हैं, लेकिन ऐसा लगा कि धोनी आज अपने करियर से ज्यादा इनका करियर खराब करने पे तुले थे कि इनका तो खा जाऊंगा। व्हाट्स योर टेक, आपको क्या लगता है? क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर कभी आपने देखा कि एक बंदे ने 500 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की हो? जी हाँ, आज हो गया। एम एस धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से 4 बॉलों के ऊपर 20 रन स्कोर किया एंड के ऊपर आके, और 500 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, और यही जो 20 रन थे 500 का स्ट्राइक रेट था, यही डिफरेंस बने आज के मैच के अंदर, जिसके अंदर रोहित शर्मा ने शानदार किस्म की बल्लेबाजी की, लेकिन उसके बावजूद मुंबई इंडियंस चेन्नई सुपर किंग्स से हार गई। आज आईपीएल का सबसे बड़ा मुकाबला था मुंबई वर्सेस चेन्नई, जो कि इस आईपीएल की सबसे बड़ी टीम है, 5-5 दफा की चैंपियंस है, बहुत बड़ी टीम है, इनका आपस में मुकाबला था। हुआ क्या कि ऋतुराज गायकवाड़ जो कि यंग कप्तान है, उन्होंने हार्दिक पांड्या को हरा दिया। जी, अगर बात करें तो मुंबई के हाथ में मैच था, मुंबई जीत सकता था, लेकिन एंड के ऊपर रोहित शर्मा से भी फिनिश ना किया गया, और इसी के साथ साथ जो बाकी खिलाड़ी थे उनसे भी फिनिश ना किया गया, और इस तरह से कहते हैं ना, रोहित शर्मा का जो शानदार किस्म का शो था वो भी जाया हो गया, क्योंकि रोहित शर्मा ने सेंचुरी तो मारा, बड़े अरसे बाद देखने को मिला कि विराट कोहली ने भी सेंचुरी मारा हो, रोहित शर्मा ने भी सेंचुरी मारा हो, लेकिन वो कहते हैं ना मैच नहीं जीत पाए। अब आपने कभी सोचा है कि एक सीजन के अंदर विराट कोहली जैसा खिलाड़ी सेंचुरी मारे और रोहित शर्मा जैसा खिलाड़ी सेंचुरी मारे लेकिन उनकी टीम मैच हार जाए, तो ये शॉकिंग नहीं है? ये बिल्कुल शॉकिंग है, और ये हो रहा है आईपीएल के अंदर, और सवाल आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। 500 का स्ट्राइक रेट, इसको कहते हैं जो अनहोनी को होनी कर दे वो है धोनी। माही, एक ही दिल है कितनी दफा जीतना है, एक ही दिल है कितनी दफा जीतना है और कैसे कैसे जीतना है। पर उसको कैसा चला रहा है मैं सुन। आप खुशबू की दुकान में जाओगे आपसे खुशबू आएगी भाई। वो आप ये ना देखो कैप्टन कौन है, देखो किसकी किसके छांव में है, वो छांव किसके धोनी की, वो दरख्त धोनी है जिसके नीचे ये कैप्टन। स्टेडियम मुंबई का, क्राउड सारा मुंबई का, जब हमारे थला भाई ने कदम रखा ग्राउंड के ऊपर, मैं कहता हूँ जो नारेबाजी लगी, जो शोर लगा धोनी धोनी का नाम का, मुंबई वालों अगर कोई पूछे तो कहना धोनी आया था। कमाल कर दिया भाई, माही मार रहा है महेंद्र सिंह धोनी, वोल्टेज धोनी, तो टिपिकल धोनी एक बार फिर आ गया भाई। और मैं तो कह कह कर थक गया हूं भाई कि धोनी को क्या ये 2 बॉले खेलने के लिए आती है, 3 बॉले खेलने के लिए आती है, ये बात नहीं है कि क्राउड को देखना चाहता हूं, ठीक है सब बातें, लेकिन ये सीएसके के लिए बड़ा बेहतर होगा अगर उनको अब द ऑर्डर प्रमोट किया जाएगा, अगर उनको नंबर 4 पे खिलाया जाएगा, ये सीएसके के लिए बहुत बेहतर होगा भाई। 1 छक्का, 2 छक्का, 3 छक्के, कंसेक्यूटिव 3 छक्के पांड्या को मारा और सीएसके ने 206 पे फिनिश किया। और इस बात में कोई शक नहीं है कि अभी भी अगर आप इंडिया नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड देख लो भाई, इस एज में भी जहां क्रिकेट भी नहीं खेल रहे, पूरा साल क्रिकेट खेलते भी नहीं है, फिर भी सबसे बेस्ट फिनिशर महेंद्र सिंह धोनी आपको नजर आ रहे हैं। क्या खेला है यार, मजा आ गया। हार्दिक पांड्या की आत्मा रोल के रख दी उसने, 3 ओवर 43 रन हार्दिक पांड्या मार खाए, 14.5 की औसत से मार खाए, और आखिरी 4 बॉलों में तो धोनी ने आए, मतलब आप देखो कि धोनी का लेवल क्या है। पहली बॉल क्या छक्का मारा कवर्स के ऊपर, आउटस्टैंडिंग छक्का। दूसरी गेंद ऐसा लगा कि बस वो बुलेट शॉट था, बुलेट छक्का डायरेक्ट। और तीसरा जो उन्होंने उठाई है गेंद को निकाला है भाई, मजा आ गया लेग साइड में जिस तरह उन्होंने गेंद को पिक किया। महेंद्र सिंह धोनी यू ब्यूटी, और इस बात में कोई शक नहीं है कि धोनी इस टाइम सबसे बेस्ट फिनिशर, आप अगर आप ये कहो तो इस टाइम भी है। आईपीएल 2023 के फाइनल में हार्दिक पांड्या ने कहा था कि मैं धोनी के हाथों हारने पर बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन ये नहीं कहा था कि धोनी भाई अगर आप पीटोगे तो भी बुरा नहीं मानूंगा। धोनी ने कायदे से पीटा, थोड़ा मोड़ा नहीं पीटा, हार्दिक पांड्या को इतना पीटा है कि लोग कहने लगे कि एमएस धोनी माइट एंड हार्दिक पांड्यास करियर इवन बिफोर हिज ओन। हाँ, मतलब इंटरनेट इस वक्त धोनी के छक्कों की चर्चाओं से भरा पड़ा है। 4 बॉल पर 20 रन, पहली बॉल पर धोनी आए, हार्दिक गेंदबाजी कर रहे थे, 20 ओवर था और छक्का, दूसरी बॉल अगेन छक्का, थर्ड बॉल फिर छक्का, और हैट्रिक जब एक 42 साल के बुजुर्ग ने मारी तो फिर इंटरनेट कह रहा था कि थाला यार तुम बदले नहीं, 2011 में भी तुमने ऐसे ही छक्के मारे थे और 2024 में भी तुम ऐसे ही मारे। कमाल का मैच यार, आप एमएस धोनी को डॉन ऑफ आईपीएल कह सकते हैं, इज अनमैचेबल, अनमैचेबल, मतलब वो आए छक्के मारे, वो छाए और फिर 500 के स्ट्राइक रेट से धोनी वापस लौट गए। कमाल की बल्लेबाजी यार, थाला ने जो बल्लेबाजी की ऐसा लगा कि शायद सिंगल हैंडेडली हार्दिक पांड्या के करियर को वर्ल्ड कप के लिहाज से डिस्ट्रॉय कर दिया। धोनी के फैंस खुश हैं क्योंकि 3 छक्के मारे, रोहित के फैंस खुश थे कि बढ़िया है जी, हार्दिक पांड्या को पीट रहे थे, हमारा क्या जा रहा है। लेकिन हार्दिक पांड्या के फैंस को दुखी होना चाहिए क्योंकि 26 रनों पीटे गए हैं और ये बहुत ज्यादा होते हैं, 26 बहुत ज्यादा होते हैं, और हार्दिक पर सवाल शुरू होने फिर हो गए हैं, क्योंकि हार्दिक चाहते तो 20 ओवर ना करते, वो बच सकते थे, वो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने आकाश मधवाल जैसे गेंदबाज को रोककर खुद गेंदबाजी की और उसका असर ये रहा कि हार्दिक भाई को बड़ी मार पड़ी। मतलब धोनी ने 42 साल की उम्र में 26 रन उस ओवर में गए और अकेले धोनी ने 4 पर 20 ठोक दिए, 500 के स्ट्राइक रेट। क्या चाहते हैं रोहित शर्मा का 100 नहीं हम बोल सकते, 61 बोले 100, वन मैन आर्मी बन के खड़ा। डेफिनेटली उस बेचारे ने हमेशा से मुंबई इंडियंस के लिए बड़ी मेहनत की है, ऐसे ही नहीं उन्होंने 5 कप जीते हुए। बट अगर देखा जाए तो मुंबई इंडियंस की रोहित शर्मा की जो 100 था आज, वो उस पर भारी था 4 बॉल्स का, वो 3 छक्के, और आई एम गोना से दैट रोहित शर्मा को सैल्यूट है यार। वो बंदा ना उसको कैप्टेंसी करने दे रहे हैं, ना उसको खुल के खेलने दे रहे हैं, ना उसको कुछ करने दे रहे, मतलब उस बंदे का बस नहीं चल रहा कि वो बताए उनको। बट रोहित शर्मा के लिए डेफिनेटली हमेशा से हैट्स ऑफ है, वो बंदा वाकई में बड़ा पोलाइट है और बड़ा लॉयल होके खेल रहा है, लेकिन स्टोल द शो बाय एमएस धोनी। क्या एमएस धोनी वाकई में इतनी एज के हैं जिस तरह से वो बंदा छक्के लगाता है, यकीन माने आप
खुद रिंकू सिंह की बात हो रही है, शिवम दुबे की बात हो रही है, यहां पर तो एमएस धोनी साहब भी तैयार है भाई वापस कम बैक करने के लिए, क्योंकि यह बंदा बुरा नहीं होने वाला। जितना आप देखें हम ये सोचते हैं कि एमएस धोनी की अब एज निकल चुकी है, अब पता नहीं क्या होगा, लेकिन नहीं भाई, एमएस धोनी जो वो हर गुजरते दिन के बाद ऐसा लग रहा है भाई ये बंदा जो जवानी चढ़ रहा है, जवान हो रहा है ये बंदा। रोहित शर्मा की एक कमाल की पारी के बावजूद जो है मुंबई इंडियंस की टीम 207 रन जो है चेज नहीं कर पाई है, और ये मैच जो है सीएसके की टीम ने जो है जीत लिया है। और आज के मैच में एमएस धोनी, हालांकि धोनी से ज्यादा रन बहुत सारे खिलाड़ियों ने इस मैच में बनाए, लेकिन आज के दिन ट्रेंड अगर कोई कर रहा है ना भाई वो कर रहे हैं एमएस धोनी। धोनी ने क्या कमाल की बैटिंग किया यार, ओए होए होए होए, आते साथ छक्का छक्का छक्का, हार्दिक पांड्या को जोड़ के एमएस धोनी ने 3 छक्के लगा दिए। आज की तारीख में भी अगर धोनी को कोई नफरत करता है ना तो उसको बोलना कि भाई एक काम करो तुम मैच ना देखो, क्योंकि तुम्हारे बोलने ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक उसी तरीके से अगर तुम नहीं देखोगे तो भी किसी को फर्क नहीं पड़ेगा भाई। मतलब ये बंदा पूरे साल में सिर्फ 2 साल कॉम्पिटेटिव क्रिकेट खेलता है, और उसमें भी जब बैटिंग करने के लिए आता है तो पहली बॉल पर छक्का मारने का मात्रा रखता है, वो भी तब जब इसके पहले जो बैट्समैन आउट हुआ डल मिचेल वो 13 बॉलों में 17 रन बना के गया है, मतलब बॉल बल्ले को टच नहीं कर पा रही थी, और फिर ये बंदा आता है बची हुई 4 बॉलों में 20 रन ठोक देता है जिसमें 3 छक्के। मतलब आप सोच रहे हो ना कि यहां पर किस तरह का पूरा एक ऑरा सेट हो रहा है धोनी के इर्द गिर्द, और धोनी का जो ऑरा, मतलब आप स्टेडियम में जा रहे हो मैच देखने के लिए, वानखेड़े में जा रहे हो जहां पर कि मुंबई को एक अलग ही सपोर्ट मिलता है, लेकिन वहां पर भी आप देखो सिर्फ और सिर्फ आपको पीली टी शर्ट ही दिखेंगे, और उसके बाद अगर आप ये कहते हो कि भैया ये पेड़ पीआर है, तो भाई साहब आप जिस डिलेमा में जी रहे हो ना, जिस गड्ढे में शतमूर की तरफ सर उठाकर बैठे हुए हो, आपको उस सर को घुसाए रखने की जरूरत है, क्योंकि आप सच्चाई से ना मतलब रब्ता कर नहीं पाओगे, सच्चाई का सामना नहीं कर पाओगे, इसलिए बेटर होगा कि आप अपने आप को उसी गड्ढे में रखो, क्योंकि धोनी को जो करना है वो साल दर साल कर रहा है, बंदा साल भर फार्मिंग करता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है, वो 2 महीने आते हैं आईपीएल के आता है तापर तोड़ छक्के घुमाता है, फैंस खुश करता चला जाता है, ना फालतू की बयानबाजी ना फालतू कोई स्टेटमेंट, कोई मतलब नहीं, सिर्फ फैन से मतलब है और कुछ भी नहीं। वो ऊपर जाते जाते एक लड़की को बॉल देगा भाई साहब, अभी देखो उसके लेकर भी बाड़े आ जाएंगे भैया वीडियोज की और फोटोज की। तो एक धोनी को पता है यार कि किस तरीके से मुझे लोगों को ट्रीट करना है, अपने फैंस को लेकर चलना है, और यही कारण है कि आज की तारीख में आईपीएल का एक सिनोनिम से बन चुका है महेंद्र सिंह धोनी यार, जो सपोर्ट उसको मिलता है ना वो अनमैच। और जो हार्दिक पांड्या को इंजर्ड कह रहे थे अब उन्हें खोते नाली के पानी से लगा लेने चाहिए, क्या अगले ने आखिरी ओवर देखे ये 20 रन छोड़ के 4 बॉलों के 21-22 रन दिए हुए थे, और बड़ा दिल चाहिए, इंजर्ड प्लेयर आखिरी ओवर कभी नहीं करेगा, इंजर्ड प्लेयर विल नेवर डू द लास्ट ओवर, ही कैन नॉट बॉल 18 बॉल्स इफ ही इज इंजर्ड और शी इज इंजर्ड, तो ये तो नल एंड वाइट हो गया। महेंद्र सिंह धोनी साहब की मेहरबानी है कि ये सीएसके गिरते पड़ते मरते 206, आप मुझे बताएं बुमराह 7 रन 19वें ओवर में 17 रन बना रहा है 14 बॉलों में, वो डैरिल मिचेल किस गधे के बच्चे ने कहा है कि वो T20 में, इसलिए अभी तक आप देखें कितने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह डूबे ऊपर आ गया, अगर डूबे ना ऊपर आता ये तो 160-170 धोनी और डैरिल मिचेल तो कसम खाई हुई है कि हमने 160-170 से हमने क्राउड को बेवकूफ बनाना है, उनके इमोशन से खेलना है, हमने क्राउड को क्या, यहां पर मैं आपको बताऊं जो भी इंडिया के जेन्युइन महेंद्र सिंह धोनी के प्यार करने वाले होंगे आज वो धोनी धोनी नहीं करेंगे, वो कहेंगे व्हाई 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 यू केप्ट ऑन बेटिंग, why you deprived CSK from 230 to 40 to 206 if you can hit 3 sixes on 3 consecutive deliveries then why you are betting in the wings, mujhse bada dhoni ka shayad aur ye aaj nahi ke naam badla liya baldiyat badla li aur views ke liye badh gaye, aaj Mahindra Singh Dhoni ne ek martaba phir sabit kiya he just care about his hype, his fans wo logon ko bekoo banate hain end pe aake lo ji 2-4 chhakke maar diye maine lo bado ab sare ab mere gun gao band ke aage jaise nahi barat ke aage wo nachne wale hote hain ye barat ke aage nacha rahe hain logon ko, main aapko keh raha hu aaj agar koi dhoni ka haqeeqat mein chahne wala hoga rather than appreciating that rather than being happy he or she should say dhoni why you came so late, why pandya wahan kafi slow kar gaya aur wo jo 15-20 ball pe jo 4-5 run hi aaye the na वो एक मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, वहां एमआई वाले बहुत पीछे चले गए इस मैच में और सीएसके बहुत आगे निकल गई, और यही तो है भाई जो विकेट के पीछे से गेम बदलने वाली बात होती है ना, महेंद्र सिंह धोनी की ही तो बात की जाती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, धोनी ने पीछे से पूरा गेम बदल दिया, कप्तान गायकवाड है पर कप्तान भी आके पूछ रहे भाई भाई क्या करना है, क्योंकि देखो यार हमें पता है किसका दिमाग चल रहा है और किसके वजह से वो टीम इतनी तरक्की कर रही है, माही ने कहा कूल मार रहे तो क्या हुआ, क्योंकि शर्मा जी और वर्मा जी के लड़के ने जो मारना चालू किया था ना बीच में गेम में मजा बांध दिया था और ऐसा लग रहा था कि ये मैच कहीं ना कहीं नीली जर्सी लेके जाएगी, तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा, और बता देंगे कि मुंबई इंडियंस अपने पिच पे अपने होम ग्राउंड पे किसी से नहीं डरती, चाहे वो सामने सीएसके ही क्यों ना हो, ये 2 बड़ी फ्रेंचाइज है, सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है जो आपस में हमेशा टकराती रही है, लेकिन आज पीली जर्सी सीएसके महेंद्र सिंह धोनी का दिमाग और उनका बल्ला
सब पे हावी रहा और बोलता रहा इस मैच में, और एंटरटेनमेंट की पूरी बरसात हुई। अगर जिसने भी ये मैच नहीं देखा, मुझे लगता है कि उसने बहुत कुछ खो दिया। बात तो सही है। हालांकि शुरुआत सीएसके की खराब रही, रहाने का फॉर्मूला पूरा फ्लॉप रहा। पहले बल्लेबाजी करने आ गए, ओपन करने आ गए और रहाने फ्लॉप रहे, लेकिन गायकवाड़ आए और गायकवाड़ छाए। ये बंदा बड़ा क्लास प्लेयर है। कहते हैं ना कि यार टैलेंट कूट कूट के भर दिया है उसके अंदर। ऋतुराज गायकवाड़ नो डाउट ये डिजर्व करता है कैप्टन बनना सीएसके का। जिस अंदाज में खेले, गेम को पूरा पलट दिया। और वहीं शिवम दुबे, ये तो बैकबोन है, और जिस तरीके से खेल रहा है ये बंदा, मतलब स्पिन को लाए ही नहीं, इतना डर इतना खौफ आ गया मुंबई इंडियंस के अंदर कि भैया वो सुरेश गोपाल पहले ही ओवर में विकेट ले चुका था, उसको लेके ही नहीं। पहली बॉल से जो कैमरामैन दिखा रहा था धोनी के साथ एक लौटा बैठा हुआ है, वो कोई बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ सूंघ रहा था कि इसमें है क्या एसएमएसडी के अंदर कि सब इसके लिए पीछे भागते हैं। तो वो जो सूंघने का मन था ना, वो उसने ग्राउंड में दिखाया, उसने सूंघ सूंघ के मारा आज पकड़ के। फिर उसके बाद जिसको सूंघा था उसकी बारी आई किसके ओवर में, पांड्या के, जो अपने आपको टी20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा उम्मीदवार लेके चल रहा है, वाइस कप्तान, मुझे कप्तान बना दो, मैं जीत गया बॉल, आखिरी ओवर भी मैं करा रहा, बेगारी की डीआरबी के लिए बल्ला पकड़ के भी मैं ऊपर आ जाऊं। मैंने कहा आप ऐसा बुरा मचा रहे, वरना 230 35 रन होते यार। धोनी इंटरनेशनल बॉलिंग ली हुई है यार, जेरार्ड कोर्टी लिया हुआ है, उसके बाद बुमराह लिया हुआ है। अगर रोहित शर्मा भी बीच में डिसमिस हो जाते तो 20 रन से नहीं, 35-40 रन से मैच हारना था आपने। 42 साल जो लोग कहते हैं ना उसके लिए तो नंबर है, मगर उसने इस उम्र में भी दादागिरी बरकरार रखी। बांग्लादेश के मिडवासे ने याद कराया ना कि 2011 बर्बाद कर दिया, फना फिजला कर दिया भाई। 2011 की याद को उसने फिर ताजा किया। अबे ये तो शुक्र करो कि चार बॉले मिली उसको, अगर इसकी चार बॉले और मिल जाती ना तो वो 50 करके जाना था धोनी ने। 13 साल बाद नहीं, वो ऐसी की तैसी एरी की तरह मारा मारा पकड़ के, वो चिनाय को सपोर्ट थी ना यार, क्या सपोर्ट थी चिनाय को। एरी हो या महेंद्र सिंह धोनी हो, मतलब मारने पर आए तो बिल्कुल किसी को नहीं छोड़ते। मकसद ये है पांड्या को बैच करें। साइमन डोल जो कह रहा है वो भी ठीक है, एक तो फॉर्म नहीं है। आज इन्होंने शिवम दुबे के सामने बॉल लेके भागना शुरू किया कि मैच आए जिसे आउट कर दो। दुबे जी ने मारे 3 बैक टू बैक चौके। अब जो मैच विनर आपका लेग स्पिनर था, अगर आप गायकवाड़ और उसकी पार्टनरशिप को तोड़वाते अपने लेग स्पिनर से कि चल कितना मारेगा भाई, मुंबई जैसी बैटिंग लाइनअप, तूने खौफ से कप्तानी की है क्योंकि तेरा बाप महेंद्र सिंह धोनी ग्राउंड में खड़ा था। और ये मार्क बाउचर को तो मैं कहता हूं अबे तुम रोप के पीछे नहीं, तुम ग्राउंड के अंदर भी तीनों बैठ जाओ ना, तुम मलिंगा और पोलार्ड, फिर भी तुम उस अकेले दिमाग का मुकाबला नहीं कर सकते जिसका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। जब 18वें ओवर में वो बैठ करके खड़े हुए थे और सिर्फ कैमरा जा रहा था तो पूरी मुंबई गई तेल लेने, सब चोर ग्राउंड में कह रहे थे अंदर आओ चाचा। देखिए बैट तो वो शिवम दुबे के जाते ही करके बैठ गए थे, हेलमेट नहीं पहना था उन्होंने, वो हेलमेट पहना उन्होंने 18वें ओवर में के निकलो साला तुम्हारी ऐसी की तैसी, आज मैं पांड्या फोड़ता हूं पकड़ के। और ये याद रखिएगा वानखेड़े में लोग रोहित और ये इसके एमएसडी के लिए आए हुए थे, वो पांड्या शांडिया देखने या डेविड शेविड या रोमारियो चैपट इनके मंजन देखने, इवन या आप समझ लीजिए बुमराह के लिए आए होंगे, बाकी तो कौन जानता है किसी को यार, तालियां तो सबके लिए। और अगर बुमराह देखिए है मुंबई इंडियंस में, बट अगर बुमराह की बॉलिंग ना हो तो हर मैच में आप पर 15-20 रन ज्यादा ही पड़े, ज्यादा जैसी टीम से भी हार गए थे। क्योंकि बीच में देखें बुमराह एक इतनी अजीब चीज है कि लीग क्रिकेट में, मैं तो आज एक ट्वीट और करने वाला था जो कि मैंने कहा फिर रोक लूं क्योंकि कोई और बात कर जाएगा। बात बड़ी सिंपल है, कोई क्रिकेट की कोई हार को मैं तो ये कहता हूं आप मॉडर्न डे में किसी को भी आइडियलाइज कर लें, कोई टके का प्लेयर नहीं है माजरत भाई, ये टका मैं किसी और वजह से नहीं बोलता हूं, मुझे पता है ये करेंसी है, यानी सब दो कौड़ी के हैं क्या, अबे कोई हिटर ही नहीं है क्या दुनिया में जो बुमराह को एक ओवर में तो ले ले 15-18 रन। नहीं ये मतलब आप ये मैसेज दे रहे हो कि बुमराह के आते ही हमारे औसान खत्म हो जाते हैं, तो किस बात के प्लेयर। अच्छा मैं देखना क्या चाह रहा था आज के बुमराह बॉल कर रहा हूं और धोनी की आमद हो जाए, मेरी फीलिंग थी कि धोनी बुमराह को दो छक्के मार देंगे। टी20 में 15 रन से ज्यादा आज तक अपने करियर में उसने दिए नहीं बुमराह ने, एंड ऑफ स्टोरी कर दी आईपीएल की उसने, मतलब यहां तो आप आएंगे। दूसरी तरफ एमएसडी के छक्कों की बड़ी बात की जा रही है कि भैया वो आया उसने मारे भाई लेंथ ताकत, जो पहला वाला है ना वो पूरी कमर के साथ मारा, कमर ही से गया वो, हालांकि स्लाइस हो गया था, अरे वो जो पहला है ना वो पूरी कमर पे स्लाइस हो गया था ना, जब भी तो कमर के बल पे। अब आप उसकी उम्र पे ना जाए, उसकी इंटेंशन पे, पांड्या से तगड़ी कमर है उसकी अभी भी, जहन क्या बनाया हुआ था। अच्छा पांड्या पे तो बहुत सारे लोग 2 दिन से लगे हुए थे, वासे ने सही इशारा किया साइमन डोल का, अबे ये तो खेल ही इंजेक्शन लगा के रहा है, आप समझे नहीं, इसने देखा कैसे, मतलब 2 मैच आए हुए धोनी से मैच है मेरा, मैं आपको पता है यहाँ पर टीआरपी लूंगा यार, ये टीआरपी लेने वाला गेम किया ऐसे यार कि तू बैटिंग में भी ऊपर आ रहा है जब जरूरत थी जब नहीं आता, डेविड को जाया कर रहे हो अगर रखकर, ओ भाई जब 12वें ओवर रह गया तुम्हारी बैटिंग फॉर्म नहीं है। मैंने क्या कहा था कि गीली विकेट पे इन्होंने आरसीबी के कमजोर बॉलर पे 3 छक्के मारे इस लीग में, बाकी सारे मैचों में हार्दिक पांड्या का एक दफा भी 150 का स्ट्राइक रेट नहीं है। मैं ये बता दूं कि वो छोड़ो कि पांड्या ने क्या किया कप्तान बनने के लिए, उसके अलावा ये जो भारत में एक आवाज लगी है स्पॉट पे कि हार्दिक पांड्या विल बी दी वाइस कैप्टन ऑफ रोहित शर्मा, क्या ये जस्टिफिकेशन है जब अचार जिसने बॉलिंग
क्योंकि अगर वो बॉलिंग नहीं करेगा तो मुझे नहीं पता खेला है नहीं खेला इंडिया से। शिवम दुबे उससे अच्छी बैटिंग कर रहा है। शार्दुल ठाकुर अगर फिट है तो मैं अक्सर कहता हूं कि वो बेचारे के पीछे वो वाली तगड़ी फैन का क्लब नहीं है, वरना ये दो मिनट में चूस के फेंक दे। शार्दुल ठाकुर जीत की अलामत है, चाहे अल्टीमेट टेस्ट सीरीज उठा लो, वो बॉलिंग में भी तुम्हें कई बार बहुत चलाक दो तीन विकेट लेके जितवा चुका है। और शार्दुल ठाकुर का सबसे सही इस्तेमाल करने वाले आदमी का नाम था भाई वाजरत के साथ विराट कोहली। विराट कोहली ने उससे टेस्ट मैचेस, इंग्लैंड का टेस्ट मैच भी याद रख लो, वहां उसने नीचे 50 रन भी किए, वहां उसने दो तीन विकेट भी ली, इंग्लैंड आई हुई थी।